गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मोरल वैल्यू की बुक पढ़ेंगे, क्लास फर्स्ट। जिन बच्चों ने बुक परचेस नहीं की है वो बुक परचेस कर लीजिए। और आपका फर्स्ट टर्म में स्टार्ट नहीं हो पाया था, इसलिए हमें फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ेंगे। तो आपको ये कॉपी में भी लिखना है। पेज नंबर आइए 5, चैप्टर फर्स्ट, बेल द कैट, बिल्ली को घंटी, दरवाज़ा ग्रोसरी शॉप इन अ टाउन, एक शहर में किराने की दुकान थी, प्लेंटी ऑफ माइस लिव्ड इन दैट ग्रोसरी शॉप, और वहाँ पर बहुत सारे चूहे रहते थे, फूड वाज इन प्लेंटी फॉर देम, वहाँ पे काफ़ी मात्रा में खाना था, दे एट एवरीथिंग इन स्पॉइल्ड ऑल द बैग्स, और वहाँ पे जो बैग्स रखे हुए थे वो भी उनने ख़राब कर दिए थे, दे आल्सो वेस्ट द ब्रेड बिस्कुट्स एंड फ्रूट ऑफ द शॉप, और जो दुकान में बिस्कुट्स ब्रेड और फल रखे हुए थे वो भी उनने ख़राब या वेस्ट कर दिए थे, द ग्रोसर गॉट रियली वरीड, और जो किराने वाला था वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित था, सो ही थॉट आई शुड बाय अ कैट एंड लेट इट स्टे एट द ग्रोसरी, ओनली देन आई कैन सेव माई थिंग्स, और जो किराने वाला था उसने सोचा मुझे एक बिल्ली ख़रीदना चाहिए, यही मेरे लिए सबसे सुरक्षित रहेगा, ही वॉट अ नाइस बिग फैट कैट एंड स्टे हर देयर, और वह एक अच्छी बड़ी और मोटी बिल्ली लेकर आया, द कैट हैड अ नाइस टाइम हंटिंग द माइस एंड किलिंग देम, और बिल्ली को चूहों को खाने का एक अच्छा मौका था, द माइस कुड नॉट मूव फ्रीली नाउ, दे वियर एफर्ट दैट एनी टाइम द कैट वुड ईट देम अप, और चूहे यहाँ वहाँ मूव नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं बिल्ली हमें खा ना जाए, द माइस वॉन्टेड टू डू समथिंग, दे हेल्ड अ मीटिंग एंड ऑल ऑफ द देम शेड, और जो चूहे थे वो कुछ करना चाहते थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, वी मस्ट गेट रिड ऑफ द कैट, वह बिल्ली छुटकारा पाना चाहते थे, कैन समवन गिव अ सजेशन, उन्होंने कहा कि सब एक सजेशन दें, ऑल द माइस सेड द थॉट डीपली, और सभी चूहों ने बहुत गहराई से सोचा, आ स्मार्ट लुकिंग माउस स्टूड अप एंड सेड, और जो सबसे स्मार्ट लुकिंग माउस था वह खड़ा हुआ बोला, द कैट मूव सॉफ्टली दैट इज़ द प्रॉब्लम, और क्या है बिल्ली है जो बहुत धीरे चलती है या उसकी समस्या है, वी कैन टाई अ बेल अराउंड हर नेक, यदि हम उसकी गर्दन पर घंटी बांध देते हैं, देन थिंग विल बी फाइन, यही सही होगा, वी कैन नो द मूवमेंट्स ऑफ द कैट, अगर वह मूवमेंट करेगी तो हमें पता चल जाएगा, यस दैट इज़ एन ओनली सॉल्यूशन, हाँ यही एक अच्छा समाधान है, स्टेट ऑल द माइस एंड ओल्ड माउस स्लोली स्टूड अप एंड आस्क्ड, वो जो सबसे बुजुर्ग माउस था वह खड़ा हुआ बोला, हु वुड बेल द कैट, बिल्ली को घंटी कौन देगा, आफ्टर सम मूवमेंट्स देयर वाज नो वन देयर टू आंसर दिस क्वेश्चन, कुछ देर बाद किसी ने भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है, टीचिंग फैक्ट एम्पैथी सॉल्यूशन आर ऑफ नो वर्थ, स्कम मीन्स होता है कि जो खाली समाधान होता है उसका कोई भी मूल्य नहीं होता है। अब आइए आप स्पेस नंबर 7 एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ट्रू और फॉल्स, फर्स्ट दिया वाज़ अ ग्रोसरी शॉप इन अ मार्केट, जो किराने की दुकान थी वो कहाँ थी, शहर में थी, तो ये रॉन्ग आएगा, द ग्रोसर गॉट रियली हैप्पी, जो किराने वाला था वो बहुत खुश था, इसमें भी रॉन्ग आएगा क्योंकि वो बहुत चिंतित था, द ग्रोसर वॉट अ नाइस बिग फैट कैट एंड लेट हर स्टे देयर, और जो किराने वाला था वो एक अच्छी मोटी बिल्ली लेकर आया था वहाँ छोड़ दी, इसमें भी ट्रू आएगा, द माइस वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ द कैट, और जो चूहे थे वो बिल्ली छुटकारा पाने चाहते थे, इसमें भी ट्रू आएगा, टेक द करेक्ट ऑप्शन, प्लेंटी ऑफ लीड इन द ग्रोसरी शॉप, जो किराने की दुकान थी वहाँ कौन रहते थे, माइस आल्सो बेस्टेड द ब्रेड बिस्कुट्स एंड फ्रूट ऑफ द, जो चूहे थे उन्हें ब्रेड बिस्कुट और फल कहाँ ख़राब किए थे, दुकान में शॉप में, द ग्रोसर वॉट अ नाइस बिग फैट एंड लेट हर स्टे देयर, और जो किराने वाला था वो अच्छी मोटी क्या लेके आया था, कैट यानी बिल्ली, आफ्टर सम टाइम देयर वाज नो वन टू आंसर दिस, कुछ देर बाद किसी ने भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, फिलिंग द ब्लैंक्स, फर्स्ट देयर वाज अ ग्रोसरी शॉप इन अ टाउन,
जो किराने की दुकान थी, किसकी दुकान थी, किराने की दुकान। द ग्रोसर बाउट अ नाइस बिग फैट कैट एंड लेट हर स्टे देयर। वो जो किराने वाला था वो क्या लेके आया था, अच्छी मोटी बिल्ली। द माइस कुड नॉट फ्रीली नाउ, वो जो चूहे थे वो क्या मूव नहीं कर रहे थे, इधर उधर मूव नहीं कर रहे थे। एंड ओल्ड माउस स्लोली स्टूप अप एंड आस्क्ड हु वुड बेल द कैट। ये किसने कहा था कि बिल्ली को घंटी कौन देगा, ओल्ड माउस, बुजुर्ग माउस ने। अब हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। फर्स्ट है, हाउ मैनी माइस वेयर लिव्ड इन द ग्रोसरी, जो किराने की दुकान थी वहाँ पे कितने माउस रहते थे, प्लेंटी ऑफ माइस लिव्ड इन दैट ग्रोसरी शॉप, वहाँ पर किराने की दुकान में बहुत सारे माउस रहते थे। हाउ डिड द ग्रोसर गेट रिड ऑफ माइस, वो जो किराने वाला था उसने कैसे चूहों से छुटकारा पाना चाहा। ही वॉट अ नाइस बिग फैट कैट एंड लेट हर स्टे देयर, वह एक अच्छी मोटी बिल्ली लेकर आया और वहाँ पर छोड़ दी। पेज नंबर आइए 8 पर। थर्ड है क्वेश्चन, व्हाट प्लान डिड द माइस थिंक टू गेट रिड ऑफ द कैट, चूहों ने बिल्ली से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या सोचा। दे थिंक टू टाई अ बेल अराउंड हर नेक, उन्होंने सोचा कि हमें बिल्ली की गर्दन पर चारों तरफ घंटी बांध देना चाहिए। व्हाट डिड द ओल्ड माउस से, वो जो सबसे बुजुर्ग माउस था उसने क्या कहा। हु वुड बेल द कैट, कि बिल्ली को घंटी कौन देगा।